इस डिवाइस को बनाने के लिए हमें एक ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है और एक आर्डिनो बोर्ड। और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 की भी ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ जम्पर वायर्स की भी ज़रूरत पड़ती है मेल टू मेल। और एक LED की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम इस आर्डिनो में कनेक्शन करने से पहले इसमें सोर्स कोड को अपलोड कर लेते हैं। इसको हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमने अपने सोर्स कोड को ओपन कर लिया। अब वेरीफाई कर लेते हैं हमारा सोर्स कोड सही है। अब इसको हम अपलोड कर देंगे। अब यह सोर्स कोड अपलोड हो गया है, डन अपलोडिंग दिखा रहा है। अब हम इस आर्डिनो में कनेक्शन करेंगे। उससे पहले इसे हम ब्रेडबोर्ड पर चिपका लेते हैं और ब्लूटूथ और LED को भी हम इस ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं। अब इन्हें हम जम्पर वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल के RX पिन को आर्डिनो की TX पिन से कनेक्ट कर देते हैं। फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल की TX पिन को हम आर्डिनो की RX पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और ब्लूटूथ मॉड्यूल की ग्राउंड पिन को आर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और ब्लूटूथ मॉड्यूल की VCC पिन को हम आर्डिनो के 3.3 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। और हम LED के नेगेटिव पॉइंट को हम आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और LED के पॉजिटिव पॉइंट को हम आर्डिनो के पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे सारे कनेक्शन क्लियर हो गए हैं। अब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। अब हम मोबाइल के ब्लूटूथ की इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्टिविटी करने के लिए पेयर बना लेते हैं। यह पेयर बन गया है। अब हम प्ले स्टोर पर ब्लूटूथ टर्मिनल सर्च करते हैं ऐप। इस ब्लूटूथ टर्मिनल HC05 को हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में। जैसे ही इंस्टॉल होगा हम इसे ओपन करते हैं।
और फिर हम इसमें भी पेयर बना लेते हैं इस डिवाइस का। ये हमारा पेयर बन गया है। अब हमने जो कोडिंग में ए और बी ऑन ऑफ के फंक्शन अपलोड किए थे, हम इसमें भी जैसे ही ए को सेंड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी और बी को सेंड करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। ये सही तरीके से वर्क कर रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट सही है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।